हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एक सिंपल सा ऑटोमेटिक वाटर अलार्म प्रोजेक्ट जिसको बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। वाटर अलार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 5 पीस BC547 ट्रांजिस्टर, आपको चाहिए 4 पीस 220 ओम का रेजिस्टर, आपको चाहिए एक बजर एंड एक DC फीमेल जैक। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2 ग्रीन LED, एक येलो LED, एक रेड LED एंड आपको चाहिए एक PCB। तो ये है JLC PCB की तरफ से आने वाला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। तो चलिए देख लेते हैं PCB को कैसे हम घर बैठे बहुत ही इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। PCB को ऑर्डर करना बहुत ही इजी है। इसके लिए पहले आपको गूगल पर जाना है एंड सर्च करना है JLC PCB। तो डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। JLC PCB जो एशिया का लार्जेस्ट PCB प्रोटोटाइप एंड PCB फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो आप यहाँ पर बहुत ही इजीली अपने PCB को डिजाइन करके ऑर्डर कर सकते हो। तो PCB को ऑर्डर करने के लिए पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आप EZEDA पर जाके बहुत ही इजीली PCB को डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फैब्रिकेशन पर क्लिक करके गड़बड़ फाइल को जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप PCB का क्वांटिटी, PCB का थिकनेस, PCB का कलर चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको जनरेट गड़बड़ पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पर एड गड़बड़ फाइल पर क्लिक करके गड़बड़ फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको सेव टू कार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा एंड व्यू कार्ट पर क्लिक करके आप बहुत ही इजीली अपने PCB को ऑर्डर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर चेक करना। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यूज करेंगे 3 पीस 9 वोल्ट बैटरी। आपको लेना पड़ेगा एक मिनी वाटर पंप, एक DC 6 वोल्ट का रिले एंड एक BC547 ट्रांजिस्टर। Thank you.
तो इस प्रोजेक्ट को बनाना अभी कंप्लीट हो गया, तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं एक किस तरह से काम करता है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।